नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। क्या शराब पीकर पीएम नरेंद्र मोदी को कपिल शर्मा ने किया ट्वीट? चलिए बताते हैं आपको इस बात की पूरी सच्चाई। कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने शो में सेलेब्स की जिंदगी से जुड़े मसलों पर चटकारे लेते हैं, लेकिन अब वो दूसरों के चैट शो में जाकर खुद के विवादों की सच्चाई बेपर्दा करेंगे। अरबाज खान एक नया चैट शो पिंच बाय अरबाज खान लेकर आ रहे हैं। इसमें मेहमान बनेंगे कपिल शर्मा। शो का प्रोमो जारी कर दिया गया है, जिसमें कपिल ने पीएम मोदी को किए ट्वीट की सच्चाई का खुलासा किया है। प्रोमो वीडियो में कपिल कहते दिखाई देंगे, कोई सुबह उठकर 5 बजे पीएम को ट्वीट करता है तो सीधी सी बात है, या तो वो बहुत दुखी है या तो उसने शराब पी रखी है। इसके बाद वो और अरबाज खान हंसते हुए नजर आते हैं। बता दें कि कपिल शर्मा ने बीएमसी की घुसखोरी पर ट्वीट किया था पीएम मोदी को, जिसके बाद देर रात कपिल ने ट्वीट कर मोदी के अच्छे दिन और करप्शन फ्री कैंपेन पर सवाल भी उठाया था। मोदी को ट्वीट टैग कर कपिल ने लिखा था, मैं पिछले 5 साल से 15 करोड़ रुपए टैक्स भर रहा हूं, लेकिन मुझे ऑफिस बनाने के लिए बीएमसी को 5 लाख की घूस देनी होगी। दूसरे ट्वीट में भी उन्होंने पीएम को टैग कर लिखा था, ये है आपके अच्छे दिन। कॉफी विद करण में भी कपिल ने इस ट्वीट पर चुटकी ली थी। करण द्वारा मिडनाइट ट्वीट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, डोंट ड्रिंक एंड ट्वीट। बता दें अरबाज खान टीवी पर वापसी कर रहे हैं। उनका सेलिब्रिटी चैट शो पिंच यूट्यूब चैनल क्यू प्ले पर टेलीकास्ट होगा। पहला एपिसोड 12 मार्च को दोपहर 1 बजे रिलीज किया जाएगा। अरबाज खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक प्रोमो क्लब का वीडियो शेयर किया, जिसमें कई बी टाउन के स्टार्स नजर आ रहे हैं और हाल ही में अरबाज ने अपने इस शो को लॉन्च भी किया है। बहरहाल फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।